ग्रीटिंग एवरीवन। देखिए बेटे, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 का ही वैसे ये पार्ट है, उसी की स्टोरी को आगे नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है। चैप्टर नंबर 6, द 100 रेसेज पार्ट 2, यानी कि जहाँ तक चैप्टर 5 की स्टोरी हुई थी उसके आगे ही आपको यहाँ से उसकी स्टोरी मिल जाएगी। रिटन बाय द सेम राइटर एल्बोल्टर इस्टर। स्टिल या टिल देन, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट वेंडर पेट्रोन्स्की who belongs to Poland, that's why almost students in the class poke fun at her because of her strange name. Secondly, she lives in the Bogen Heights. That was the second reason why students feel hatred towards her. तो उसके बाद next जो आपका chapter है, यहाँ पर reason दिया गया है। question क्या आ रहा था वहाँ से कि जो Wanda Petrowski है पिछले 3 दिन से school नहीं आ रही थी, और उसके बाद जब कॉन्टेस्ट हुआ किसका, गर्ल्स के लिए होता ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, बॉयज़ के लिए होता डिजाइनिंग मोटर बोट्स कॉन्टेस्ट, उसमें जो वेंडा पेट्रंस की है शी वन द कॉन्टेस्ट, उसने उस कॉन्टेस्ट को जीत लिया। उसके जीतने का क्या था, क्योंकि उसने शी हैड मेड 100 पेंटिंग्स एंड ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड दे आर फिल्ड विद वेरी शाइनिंग कलर्स। That's why the teachers decided that who had won that coloring and drawing contest, Wanda Petrowski. और उसके बाद जब क्लास क्या करी थी उसके स्टिल उसके क्या है बिल्कुल फर्दर है। While the class was circling करना यहाँ पर घूमना, कहाँ पर, क्लास में, क्योंकि टीचर ने अलाउ कर दिया था कि आप रूम में घूम कर क्या कर सकते हैं, पेंटिंग्स को देख सकते हैं। द मोनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैशन अ नोट। तभी जो क्लास का मॉनिटर है वो प्रिंसिपल ऑफिस से क्या लेके आया, मिस मैशन उनकी क्लास टीचर, उसके लिए एक नोट यानी कि एक लेटर लेके आया। मिस मैशन रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉरली फॉर अ वाइल। और जो नोट लेके आया, जो लेटर लेके आया, मिस मैशन ने पहले खुद उसको कई बार पढ़ा उस लेटर को, थोड़ी देर तक सोचा और उसके बाद देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, क्लैप्ड यानी कि क्लैपिंग की, ताली बजाई अपने हाथों से, और क्या कहते हैं, अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट्स, और सभी को उनकी शीट पर वापस बैठने के लिए कहा। वेन द सफलिंग ऑफ फीट, सफलिंग क्या होता है, पैर के आने जाने की या पैर घसीटने की जो आवाज़ है, जब वो आवाज़ बंद हो गई, द रूम वॉज स्टिल क्वाइट, रूम बिल्कुल कैसा हो गया, शांत हो गया। मिस मैशन सेड, उसके बाद मिस मैशन ने क्या कहा, आई हैव अ लेटर, कहाँ से आया है, वेंडाज फादर, वेंडा का जो फादर है उससे आया है, एंड आई वॉन्ट टू रीड टू यू, और मैं ये लेटर आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैशन स्टूड देयर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए खड़ी रही, एंड देन साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस, और जब मिस मैशन बिल्कुल चुप खड़ी थी कुछ क्षणों के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, तो जो क्लास है ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। टेंस का मतलब तनाव में आ जाना, चिंता में आ जाना, एक्सपेक्टेंट का मतलब होता है उम्मीद लगा कि अब क्या अनाउंसमेंट हो रही है, नहीं, क्लास बैठ गई वहाँ पर। द टीचर adjusted हर ग्लासेज, यानी कि अपने स्पेक्टिकल्स को उसने एडजस्ट किया स्लोली, धीरे से, और या फिर हम क्या कह सकते हैं, deliberately, यानी कि जानबूझकर उसने अपने ग्लासेज को एडजस्ट किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉज कमिंग, और उसका ये जो तरीका था ग्लासेज को एडजस्ट करने का स्लोली से, वहाँ पर कुछ समय के लिए चुप रहने का, ये जो आइडिया है ये इंडिकेट कर रहा था उसका व्यवहार, वट वॉज कमिंग, क्या आने वाला है। वो क्या कहते हैं, दिस इज़ द लेटर फ्रॉम वांडाज फादर एंड वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। वांडा के फादर का लेटर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस लेटर की। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैशन रीड द ब्रीफ नोट। अब जब मिस मैशन उस नोट को, उस लेटर को पढ़ रही थी, तो बिल्कुल पास में, यानी कि एवरीबडी लिसन क्लोजली, लिसन क्लोजली का मतलब क्या होता है, लिसन केयरफुली, अटेंटिवली, ध्यान से उसकी बात को सुन रहे थे। और उसके बाद ये जो लाइनें हैं, यानी कि ये जो वर्ड हैं, जो थोड़े से कैसे दिख रहे हैं, शॉर्ट दिख रहे हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो लेटर के अंदर लिखे हुए थे, किसने, वेंडा पेट्रोन्स्की के फादर ने। उसके फादर ने क्या लिखा, डियर टीचर माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनिमल, कि मेरी जो बेटी है वो अब आपके स्कूल में नहीं आएगी। और उसका भाई भी था, भाई का भी नाम दिया हुआ है जैक कॉल्स, यानी कि उसके जो भाई है उसके भाई का भी बताया उसने कि वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू द बिग सिटी, और उसने रीजन क्या दिया कि अब हम बड़े शहर में जा रहे हैं, नो मोर होलर पॉलक, और क्या कहा कि वहाँ पर नो मोर होलर, यानी कि जो
पोलैंड से आए उनको पोलक नहीं कहा जाएगा, हॉलैंड से आए उन्हें हॉलर नहीं कहा जाएगा। नो वन मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई भी उनसे ये नहीं पूछेगा कि उनके नाम फनी क्यों हैं, मजाकिया क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम इन द बिग सिटी, और उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि शहर में बहुत सारे बच्चों के नाम कैसे होंगे, ऐसे फनी होंगे। योर्स ट्रूली, यहाँ पर उसके फादर का नाम दिया हुआ है, ये आप याद कर लेना, हु इज़ द फादर ऑफ वेंडा पेट्रोंस्की, जैन पेट्रोंस्की इज़ द नेम ऑफ वेंडाज पेट्रोन, वेंडा पेट्रोंस्की उसके भाई का नाम है। क्योंकि ये जब आपका ये दोनों ही आपको जैसा कि पता है लेसन 5 और 6 इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, पैसेजेज के लिए, 4 नंबर का पैसेजेज आता है इनमें से, तो वहाँ पर ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ वेंडा पेट्रोंस्की, तो आपको इसका नाम याद रखना है। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, मिस मैशन टुक ऑफ हर ग्लासेज, उसके बाद जैसे ही ये लेटर पढ़ा तो मिस मैशन ने अपने ग्लासेज अपने चश्मे उतारे और सभी के सभी चुप हो गए। ये पढ़ने के बाद उसने अपनी ग्लासेज उतारे, चश्मे उतारे, ब्लू ऑन देम, ब्लू करना फूक लगाना, फूक लगाई उनके ऊपर, वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, अपने सफ़ेद सॉफ्ट से मुलायम से हैंकरचीफ से उन ग्लासेज को साफ किया। देन ही पुट देम अगेन, और फिर दोबारा से वो चश्मे पहने, लुक्ड एट द क्लास, क्लास की तरफ देखते हुए क्या कहा, शी स्पोक, हर वॉइस वॉज वेरी लो, और ये कहते वक्त उनकी आवाज़ कैसी थी, बिल्कुल धीमे सी वो बोल रही थी। क्या कहा, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम नंबर 13, कि मुझे पक्का यकीन है कि रूम नंबर 13 में से नन ऑफ द बॉयज, ना तो लड़कों में ना ही लड़कियों में, वुड पर्पजली एंड डिलिबरेटली हर्ट एनिमल्स फीलिंग्स, कि किसी ने भी पर्पजली होते हैं किसी उद्देश्य के तहत पहले से योजना बनाकर डिलिबरेटली जानबूझकर किसी की भी फीलिंग को हर्ट नहीं किया होगा, यानी कि किसी भी की भी फीलिंग्स को हानि नहीं पहुँचाई होगी, दुख नहीं पहुँचाया होगा, बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग एंड अनफेमिलियर, और वो भी इसलिए क्योंकि जिस किसी भी बच्चे का नाम कैसा है, बहुत बड़ा है, अनफेमिलियर, थोड़ा सा अजीब है, स्ट्रेंज है, इस वजह से शायद किसी ने भी किसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाया होगा। आई प्रेफर टू थिंक That what was said in the thoughtlessness, और उसने क्या कहा, मैं प्रेफर यानी कि प्राथमिकता इसी चीज़ को देती हूँ कि पहले जो कुछ भी कहा गया, किसी के नाम का मजाक उड़ाया गया, वैसे वो thoughtlessness यानी कि जानबूझकर नहीं होगा, गलती से कहा गया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे, मैं अभी समझ सकती हूँ कि आप इस वक्त कैसा महसूस करें। आई डू दैट दिस इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, और अगर ऐसा हुआ है तो ये कैसी घटना है, अनफॉर्चुनेट यानी कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट एंड एज वेल एज सैड, उदासी की भी, निराशा की भी बात है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी इस बात के बारे में सोचें। उसके बाद देखिए, फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला पीरियड स्टडी का था। जो मैडी है, ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, उसने अपने लेसन प्लान करने की, लेसन प्रिपेयर करने की, तैयार करने की कोशिश की, बट शी कुडंट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपना ध्यान किसके ऊपर, अपने काम के ऊपर लगा ही नहीं पाई। शी हैड अ सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ अ स्टोमक, सिक का मतलब एक अजीब सी, बिल्कुल बीमारों जैसी जो है उसकी फीलिंग या उसकी भावनाएं, उसको कैसा अपने पेट के अंदर महसूस हो रहा था, अजीब सा। ट्रू शी हैड इन्जॉय लिसनिंग टू पैग आस्क वेंडा हाउ मच ड्रेसेज शी हैड इन हर क्लोसेट, और वो क्यों, क्योंकि उसको अभी भी ऐसा लग रहा था, वो शी वॉज फीलिंग शी हैड नॉट इन्जॉय लिसनिंग पैग, उसको ये बिल्कुल भी इंजॉय वो नहीं कर रही थी कि जो पैग है वो क्या कर रही थी, लिसनिंग कर रही थी वेंडा को, हाउ मैनी ड्रेसेज शी हैड इन हर क्लोसेट, कि उसकी क्लोसेट में, क्लोसेट यानी कि अलमीरा में कितनी ड्रेसेज हैं। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी, यानी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, इन स्पाइट ऑफ इट वो उस बारे में कुछ भी नहीं कह पा रही थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, बिल्कुल चुप होके खड़ी थी। डैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन, और उसने क्या बताया कि ये बात, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ये उतनी ही बुरी थी, कितनी बुरी, जितने की पैगी, पैगी क्या कर रही थी, शी हैड टॉर्चर्ड वेंडा पेट्रोंस्की बाय आस्किंग हर एवरी नाउ एंड देन हाउ मैनी ड्रेसिज, हाउ मैनी हेयर्स, हाउ मैनी दिस और डैट शी हैड। तो उस वक्त मैडी जो है वो बिल्कुल चुप रहती है, और वो क्या रियलाइज करती है कि पैगी का ये पूछना और मेरा चुप रहना ज़्यादा बुरा था उसके ये काम करने से।
उसने क्या कहा अपने आप को, शी वॉज अ कावर्ड, वो क्या है, कायर है। एटलीस्ट पैगी हैडन कंसिडर्ड दे वर बींग मीन बट शी, उसने कहा एटलीस्ट जो पैगी है वो क्या नहीं कर सकती, वो कावर्ड नहीं है, एटलीस्ट जो उसके मन में है वो बोल तो देती है, लेकिन मैडी क्या कर पाती है, वो अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, दैट्स वाई शी कॉल्ड हर सेल्फ अ कावर्ड। मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, उसको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज, लेकिन वो चुप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेटा एक फ्रेज का यूज हुआ है, पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज, यानी कि दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के देखना, कि वो चुप किस लिए, क्योंकि उसको लगा कि अगर वेंडा पेट्रोंस्की को बचाने के लिए उसने कुछ भी किया तो नेक्स्ट टारगेट उनका कौन होगी, मैडी ही होगी। ग्रीटिंग एवरीवन, बेटा चैप्टर नंबर 600 एसिज पार्ट 2, यहाँ से हम करते हैं कि जैन पेट्रोंस्की जो वेंडाज फादर हैं उन्होंने एक लेटर लिखा मिस मेशिन को, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि वेंडा पेट्रोंस्की और उनका जो बेटा है जैक वो फर्दर स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर उन बच्चों के द्वारा उनके नाम को लेकर किए गए मजाक से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। अब मैडी सोच रही है कि वाकई में वेंडा पेट्रोंस्की के साथ गलत हुआ, वो इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार भी मानती है और अपने आप को कॉवर्ड भी मानती है। फर्दर क्या है कि गुडनेस वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, मैडी सोच रही है कि क्या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सके वेंडा पेट्रोंस्की के लिए, चाहे सिर्फ इतना ही कर सके कि वेंडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, चाहे इतना ही एक बार कहना हो कि वो उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे। शी टर्न्ड अराउंड, उसके बाद उसने चारों तरफ घूमा, स्टॉल अ ग्लैंस एट पैगी, जो पैगी है उसकी तरफ एक ग्लैंस स्टॉल कर लेना, यानी कि एक नज़र देखी और फिर वापस टर्न कर लिया, बट पैगी डिडेंट लुक अप, लेकिन पैगी उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, किसकी तरफ, मैडलिन की तरफ। शी सीम्स टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था कि जो पैगी है वो बहुत ज़्यादा पढ़ रही है। वेल वेदर पैगी फेल बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग, अब उसने क्या सोचा, चाहे पैगी को बुरा लगा हो अच्छा लगा हो वेंडा पेट्रोंस्की के साथ बिहेवियर करके, लेकिन उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोंस्की, उसको क्या करना पड़ेगा, वेंडा पेट्रोंस्की को ढूंढना पड़ेगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि वो अभी शहर गए ना हों। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, हो सकता है कि जो पैगी है जो मोस्ट पॉपुलर प्रीटीएस्ट गर्ल है रूम नंबर 13 में, वो भी कहाँ पर हाइट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, बोगिन हाइट्स पर उसके साथ जाना चाहे। एंड दे कुड टेल वेंडा शी हैड वन द कंटेस्ट, और वो दोनों मिलकर क्या बता सके, वेंडा पेट्रोंस्की को बता सके कि उसने कंटेस्ट को, प्रतियोगिता को जीत लिया है। एंड दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल, और वो अब क्या बताएंगे कि अब उनको लगता है कि वाकई में वेंडा पेट्रोंस्की क्या है, स्मार्ट है, अच्छी लड़की है, समझदार है, और उसकी जितने भी 100 ड्रेसेज हैं सारे की सारी कैसी हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और इसीलिए जब स्कूल डिसमिस हुआ, वेन द स्कूल डिसमिस इन द आफ्टरनून, पैग सैड विद प्रिटेंटेड कैजुअलनेस, कैजुअलनेस यानी कि साधारणता सा, यानी कि कोई ज़्यादा दिखावा किए बिना उसने क्या लिखा, हे लेट्स गो एंड सी इफ द किड हैड लेफ्ट द टाउन और नॉट, कि किसको कह रहे हैं, मैडी को कह रहे हैं कि चलो देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो टाउन को छोड़कर गए हैं या नहीं। सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लाउड, ग्लाउड का मतलब क्या होता है, शाइन करना, चमकना खुशी के मारे, और अब उसने जैसे ही सोचा, देखा कि पैगी जो है उसका भी वही आइडिया, यानी कि वो भी वेंडा पेट्रोंस्की से मिलने चाहते हैं। पैग वाज रियली क्या है, ऑल राइट, और वाकई में जो पैग, पैग इसके लिए रेफर हुआ है, पैगी के लिए, वाकई में वो कैसी थी, हर बार ठीक ही थी, यानी कि वो भी उसी के सेंस सोच रही थी। इसलिए जो टू गर्ल्स हैं यानी कि पैगी और मैडलिन, हरीड आउट टू बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बोगिन हाइट्स, यानी कि अब जो गली है जो कि किसकी तरफ जा रही थी, बोगिन हाइट्स की तरफ जा रही थी, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। पार्ट ऑफ द टाउन वॉज सच अ फॉरबिडन एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, डीजी लैम्प एंड डिसमिल, और यहाँ पर जो पार्ट ऑफ दैट वॉज सच अ फॉरबिडिंग एयर, फॉरबिडिंग यानी कि जहाँ पर ऐसी हवा थी उस एरिया में बोगिन हाइट्स में, जिस तरीके की इस दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, यानी कि नवंबर के महीने में आफ्टरनून में इस तरीके की जो क्या होती है फॉरबिडिंग एयर, इस तरह दुर्गंध भरी हवा थी वहाँ पर, नवंबर आफ्टरनून, ब्रिजलिंग होते बूंदाबांदी, डैम का मतलब होता है गीली, डिसमेल होता है निराशाजनक, फॉरबिडिंग एयर थी वहाँ पर एटमॉस्फेयर में,
उसके बाद बैग जो है ग्रफली यानी कि थोड़ा सी घृणित होते हुए हेटर्ड करते हुए कहते कि वेल एट लीस्ट आई नेवर डिड ऑल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, कि मैंने आज तक आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर, कि मैंने कभी भी उसको विदेशी नहीं कहा, कभी भी उसका नाम का मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। और दूसरा, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वेंडर पेट्रोंस्की के पास इतनी सेंस है, इतनी समझ है कि उसको ये लगे कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं किसी भी तरीके से। आई थॉट शी वॉज टू डम, डम का मतलब होता है बिल्कुल कैसी गूंगी, एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रो, देखो कितनी बिल्कुल बेचारी सी थी और कितना अच्छा उसने ड्रो किया, हैरानी के साथ कह रही है। मैडी कह रही है कुड से नथिंग, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड डॉटा वेंडा, कि उन्होंने सिर्फ एक ही उम्मीद लगाई हुई है कि वो क्या कर सके, वेंडा को ढूंढ लें किसी तरीके से। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पेग्ड ऑन हर, और वो ये कह सकें कि उसको खेद है, कि वो माफ़ी मांग सकें। दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। हाउ वंडरफुल द स्कूल थॉट शी वॉज, कि वो जो स्कूल है जहाँ पर वो पढ़ते हैं वो स्कूल वाकई में बहुत अच्छा है, एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, और वो स्कूल को छोड़ के ना जाए। एवरीबडी वुड बी नाइस, हर कोई आपसे अच्छे से बात करेगा ये कह सकें। शी इसीलिए मैडी और जो पैगी है वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और अब वो लड़ाई करेंगे किसके लिए, जो कोई भी नाइस नहीं होगा यानी कि जो कोई भी उनसे अच्छे से बात नहीं करेगा उसके लिए लड़ाई भी करेंगे वेंडा पेट्रोंस्की के लिए। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, जल्दी से जाती हैं। दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, डार्क यानी कि अंधेरा होने से पहले उनको उम्मीद थी कि वो हिल पर बोगिन हाइट्स की जो पहाड़ी उसके ऊपर चले जाएंगे। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोंस्की लिव, सैड मैडी, मैडी ने कहा कि शायद यही वो जगह है, वो हिल है जहाँ पर जो पेट्रोंस्कीज हैं वो रहते हैं। पॉइंटेड टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। वेप्स ऑफ द ओल्ड ग्रास स्ट्रक अ हियर एंड देयर, वहाँ पर जो घास है पुरानी घास वो इधर उधर बिखरी पड़ी थी। दे अलोंग द पाथवे लाइक द थिन कीटन्स, उनके बीच में से ऐसा रास्ता था घास के बीच में से, जैसे छोटी छोटी जो कीटन्स होती हैं, छोटी छोटी बिल्लियाँ होती हैं उनके जैसा। द हाउस एंड इट्स पास लिटल हार्ड लुक्ड शेबी बट क्लीन, जो घर है एंड इट्स पास यानी कि उसके बाहर का छोटा सा जो आंगन है वो शेबी था बट क्लीन यानी कि थोड़ा सा गंदा था। गंदे का मतलब यहाँ पर क्या है, छोटा सा और थोड़ा सा संकुचित सा था लेकिन साफ था, जैसे कि उसकी ड्रेस होती थी साफ तो होती थी लेकिन आयरन नहीं होती थी। इसलिए मैडी को रिमाइंड हुआ ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, वेंडा की वन ड्रेस के बारे में जो वो हमेशा पहन के आती थी। अ फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, एक फेड हुई ब्लू कलर की कॉटन की ड्रेस, शेबी पुरानी हो चुकी बट क्लीन लेकिन बिल्कुल साफ सुथरी। लेकिन जब वो हिल पर पहुंचे देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, वहाँ पर घर के अंदर किसी भी तरीके की किसी के भी रहने का कोई भी चिन्ह नहीं मिल रहा था। पैगी नॉक्ड करती है फ्रिमली, फ्रिमली का मतलब होता है मजबूती से, डोर को मजबूती से नॉक करती है, खटखटाती है, बट देर वॉज नो आंसर। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, पीछे के आंगन की तरफ जाती है नॉक देर, वहाँ पर नॉकिंग की बट स्टिल देर वॉज नो आंसर, लेकिन फिर भी कोई आंसर नहीं मिला। अब उन्हें कोई डाउट नहीं रहा था, दे वर नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोंस कीज वर गॉन, कि जो पेट्रोंस कीज हैं वो जा चुके हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अमेंड्स करना अपनी गलतियों को कैसे सुधार, अमेंड्स करना सुधारना, किस तरीके से सुधारेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, इसलिए वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जो हिल है हिल की तरफ वापस आने का उन्होंने रास्ता बनाना शुरू किया। वेल एनी वे सैड पैगी, शी हैज गॉन नाउ, कोई नहीं अब वो जा चुकी है। सो वट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स वैन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेस, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्रॉइंग, उल्टा वो क्या कहना शुरू कर देती है कि जब मैं उसे 100 ड्रेसेज के बारे में पूछती थी उसकी ड्रेस के बारे में तो शायद तभी उसको आइडिया मिल जाता था ड्रॉइंग करने के लिए। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कंटेस्ट अदरवाइज, उसने कहा कि अगर मैं उससे उसकी ड्रेसेज के बारे में नहीं पूछती तो उसके पास आइडिया नहीं होता, और आइडिया नहीं होता तो वो क्या नहीं कर पाती, कंटेस्ट को यानी कि प्रतियोगिता को जीत नहीं पाती। मैडी टर्न द आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, अब वो भी इस विचार को अपने दिमाग के अंदर लिए हुए है, ध्यान से सुन रही है। फॉर इफ़ देर वर एनी थिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, कि अगर ऐसी कोई भी बात है तो वेंडा पेट्रोंस्की को बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट स्लीप, लेकिन उस रात
जो वेंडा पेट्रोन्स के वो अच्छे से सो नहीं पाई, क्यों? शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फैडेड ब्लू ड्रेस. वो सोचती रही किसके बारे में, वेंडा पेट्रोन्स की के बारे में और उसकी जो फैडेड ब्लू कलर की ड्रेस है उसके बारे में. शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फ्रेंड्स. वो सोचती रही और फैडेड ड्रेस के बारे में, उनके लिटिल से घर के बारे में जिसमें वो रहती थी, एंड ब्लू ड्रेस द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर दंड्रेड ड्रेसेज. और किसके बारे में सोच रही थी, जो ग्लोइंग पिक्चर्स हैं जिनसे उसने 100 ड्रेसेज को बनाए, उन पिक्चर्स के बारे में सोचती रही. क्लासरूम के अंदर जो सारी की सारी लाइन में लगी हुई थी उनके बारे में सोचती रही. एट लास्ट जो मैडी सेट अप इन द बेड, वो बेड पे बैठ गई, प्रेस्ड हर फोरहेड टाइड इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट्स, अपने सिर को दोनों हाथों से दबा लिया जोर से और फिर सोचने लगी. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंग सी हैड एवर डन. ये अब तक की सबसे बुरी चीज़ थी, मुश्किल चीज़ थी जो उसने की. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीज एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. आखिर में वो एक निष्कर्ष पर पहुंची और निष्कर्ष क्या था, शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से एनीथिंग अगेन. कि वो कभी भी इस तरीके से क्या करने के लिए, उसका स्टैंड लेने के लिए, वेंडा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ नहीं खड़ी हुई थी. कि वो अब इस तरीके से, शी नेवर वॉज गोइंग टू स्टैंड बाय, स्टैंड यानी कि अलग खड़े हो जाना. क्या वो अब अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो अलग नहीं खड़ी रहेगी एंड से नथिंग अगेन, और ऐसे चुप नहीं रहेगी कि कुछ भी नहीं कहेगी. इफ़ शी हैड एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन्स, पिकिंग करना यहाँ पर मजाक उड़ाना, अगर वो कभी भी सुनती है कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, दे वर फनी लुकिंग, और वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसके दिखने की वजह से, बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, उनके अजीब नाम है, दे वुड शी वुड स्पीक अप, तो वो जरूर बोलेगी उसके खिलाफ. इवन इफ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे उसके लिए उसको पैगी की फ्रेंडशिप को ही दाव पे क्यों ना लगाना पड़े. She had no way of making things right with Vanda. उसके पास अब कोई तरीका नहीं है जिसे वो Vanda Patrons की के जो साथ गलत चीज़ें हुई थी उनको सही कर सके. But from now she would never make anybody else that unhappy again. लेकिन अब के बाद वो कभी भी किसी दूसरे को क्या नहीं करेगी, निराश नहीं होने देगी. Greeting everyone. बेटा हम chapter 6 का part number 2 आज करेंगे, at the page number 77. So let us start it. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. यानी कि Saturday को जो Maddie है वो Peggy के साथ क्या करती है, अपना afternoon spend करती है. They were writing a letter, और वो दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, letter लिख रहे थे किसको, Vanda Patrons की को. It was just a friendly letter, सिर्फ एक friendly letter था ये, किस चीज़ के बारे में, about the contest and telling Vanda she had won. यानी कि ये बताने के लिए Vanda Patrons की को कि वो कॉन्टेस्ट को यानी कि प्रतियोगिता को जीत चुकी है, ये बताने के लिए वो एक फ्रेंडली लेटर यानी कि मैत्रीपूर्ण लेटर उनको लिख रहे थे. दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वर, वो क्या बताने वाले थे उसे कि उसकी जो ड्राइंग्स हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी. एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, और दूसरा क्या पूछने वाले थे कि क्या वो जगह जहाँ पर अब वो रह रही है उसको वो जगह पसंद है या नहीं. एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर्स, और दूसरा कि क्या वो अपने नए टीचर्स को पसंद करती है या नहीं. यानी कि अब मैडी ने, मैडलिन ने और पैगी ने डिसाइड किया कि वो Vanda Patrons की को लेटर लिखेंगे. कैसा लेटर लिखेंगे, फ्रेंडली लेटर. और क्या पूछेंगे उसमें, पहले बात तो वो बताएंगे कि वो कंटेस्ट को जीत चुकी है, और दूसरी बात क्या बताएंगे कि उसकी नए जगह जहाँ पर वो रह रही है वहाँ पर टीचर्स कैसे हैं, और वो जो न्यू टीचर्स हैं उनको लाइक करती है या नहीं. All that, ये सब कुछ पूछने वाले हैं. They had meant to say they were sorry, but it ended up with just writing a friendly letter. उनका मतलब क्या था, वो कहना तो क्या चाहते थे, sorry. Sorry किसके लिए, अपने misbehavior के लिए. लेकिन उन्होंने उस letter को ended कर दिया यानी कि ख़त्म कर दिया सिर्फ एक friendly letter में, एक मैत्रीपूर्ण letter में, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, इस तरीके से उस letter को ख़त्म कर दिया. The kind they would have written to any good friend, they shined it with lots of acts for love. यहाँ पर क्या है, यानी कि या जितने भी students हैं वहाँ पर उन सभी के लिए refer हुआ कि with lots of acts for love, यानी कि उम्मीद करते हैं, sign करते हैं उन्होंने last में कि तुम्हें बहुत सारा प्यार हम सब की तरफ से, इस तरीके से letter को end कर दी. They mailed the letter to Boggin Heights. उसके बाद उन्होंने उस लेटर को क्या किया, मेल कर दिया कहाँ पर, जो Boggin Heights है, Boggin Heights का जो एड्रेस जहाँ पर Vanda Patrons की
जब उनके स्कूल में आते थे वहाँ रहते थे उस एड्रेस पर मेल कर दिया। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और लेटर पर यह भी लिख दिया कि प्लीज इस लेटर को या इस एनवलप को फॉरवर्ड कर दें, यानी कि अगर यहाँ पर कोई नहीं मिलता है तो आप उनका जो एक्चुअल एड्रेस है वहाँ पर उसको भेज दिया जाए। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर, कई दिन बीत गए लेकिन कोई आंसर नहीं आया। बट द लेटर डिडंट कम बैक, देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिडंट कम बैक, सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, लेकिन कई दिनों के बाद भी लेटर भी वापस नहीं आया तो उन्होंने क्या माना कि शायद वेंडा पेट्रोंस्की को वो लेटर मिल चुका है। परहैप्स शी वॉज हार्ट एंड एंग्री, दे वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, उसके बाद उन्होंने परहैप्स शायद ये उम्मीद लगाई कि वेंडा पेट्रोंस्की हर्ट हुई है, यानी कि उसको थोड़ा सा चोट पहुँचने का मतलब थोड़ा सा मन दुखी होना, उसका मन दुखी हुआ, वो गुस्से में थी, शायद इसलिए उसने उस लेटर का आंसर नहीं दिया। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते कि उसने लेटर का आंसर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैडलिन ने और पैगी ने क्या समझा कि उसने गुस्से की वजह से, क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाते थे इसलिए उसने लेटर का आंसर नहीं दिया। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिडंट आंसर, कई हफ्ते भी बीत गए लेकिन अभी भी वेंडा पेट्रोंस्की का कोई आंसर नहीं आया। पैगी हैड बिगेन टू फॉरगेट द वॉल बिजनेस, अब जो पैगी है जिसको क्या कहा जाता है प्रीटीएस्ट गर्ल ऑफ द रूम नंबर 13 कहा जाता है, वो सारी चीज़ों को भूलने लगी, बिजनेस का मतलब ऑल द थिंग्स ऑल द बिहेवियर एंड ऑल दैट। बट मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा, लेकिन जो मैडलिन है वो क्या करती है रात में जब सपने आते थे तो सपनों में जब भी वेंडा पेट्रोंस्की के साथ कोई मिसबिहेवियर कर रहा होता तो वो वहाँ पर उसके लिए स्पीच देती मिलती। डिफेंडिंग हर फ्रॉम गेट क्राउड ऑफ द गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू टीच हर, डिफेंड करना उसका रक्षा करने की कोशिश करना, यानी कि जो भीड़ है लड़कियों की, उस लड़कियों की भीड़ में जब वो उस लड़की का मजाक उड़ा रहे होते तो वो डिफेंड करने की कोशिश करती उसे, और वो लड़कियां जो उससे क्या पूछती हाउ मेनी ड्रेसेज हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेज हैं। एंड बिफोर वेंडा वुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन, इससे पहले वेंडा अपने लिप्स को टाइट करती क्या करने के लिए, कुछ भी स्पीक करने के लिए, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जिस तरीके से वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के से पहले करती थी। मैडी वुड क्राई आउट, तो मैडी बीच में ही बोल पड़ती स्टॉप, देन देयर एवरीबडी वुड फील असेम्ड एंड द वे शी यूज टू फील, और उसके बाद जैसे ही वो क्या कहती सपने में स्टॉप तो ऑलमोस्ट जो भी क्राउड थी वो सभी के सभी चुप हो जाते और उनको शर्मिंदगी महसूस होती। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, क्रिसमस का टाइम आ गया, देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर बर्फ गिर पड़ी है। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, यानी कि क्रिसमस बेल्स है स्मॉल ट्री पर क्लासरूम में डेकोरेट किया गया है, किसको, क्रिसमस ट्री को। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर हॉलीडेज, यानी कि जो आखिरी दिन है उनका स्कूल का उससे पहले दिन, द टीचर शेयर्ड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, तो जो टीचर है उसने क्लास को एक लेटर दिखाया जो उन्हें उसी सुबह मिला था। अब जो टीचर है वो क्लास के सामने वेंडा पेट्रोंस्की का लेटर पढ़ रही है और क्या कह रही है गर्ल से, यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोंस्की द गिफ्ट द लिटिल आर्टिस्ट हु हैव वन द ड्राइंग कंटेस्ट, वो छोटी सी लड़की, वो छोटी सी आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कंटेस्ट को जीता था, वेल शी हैज़ रिटन मी, उसने मुझे एक लेटर लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और अब मैं आपको ये बताकर खुशी महसूस कर रही हूँ कि वो अब कहाँ रहती है, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल्स, क्योंकि अब मुझे उसके एड्रेस का पता चल चुका है तो मैं अब उसको उसके मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं पहले उसका जो लेटर है आपके लिए वो पढ़ना चाहती हूँ। द गर्ल सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली, इंटेंटली होता है ध्यान से, अब जो क्लास है वो बिल्कुल सेटअप हो गई और बिल्कुल मतलब अच्छे से बैठ गई और सभी ने इंटरेस्ट लिया उस लेटर को सुनने में, और ये वो लेटर है जो उसने लिखा था वेंडा पेट्रोंस्की ने, इससे पहले जो लेटर लिखा था वो किसने लिखा था, वेंडा पेट्रोंस्की के पापा ने लिखा था, अब जो लेटर लिखा है वो किसने लिखा है, वेंडा पेट्रोंस्की ने लिखा है। क्या लिखा, डियर मिस मैशन हाउ आर यू एंड रूम नंबर 13, आप कैसे हो, रूम नंबर 13 इट मीन्स रूम नंबर 13 के सभी बच्चे, प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज, प्लीज लड़कियों से कह दें कि वो उन सभी ड्रेसेज को 100 ड्रेसेज को अपने पास रख लें, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस,
ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, क्योंकि अब मेरे नए घर में मेरे पास नई 100 ड्रेसेज हैं और मैंने सारे के सारे अपने अलमीरा में लगा ली हैं। आई वुड लाइक दैट द गर्ल पैगी टू हैव ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड फ्रेमिंग। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जो एक लड़की है, कौन पैगी, उसको जो ग्रीन ड्रेस है जिसके ऊपर रेड ट्रिमिंग का मतलब होता है लेस लगे हुए होना, कि जो रेड ग्रीन कलर की ड्रेस है और जिसके ऊपर रेड कलर की लेस लगी हुई है, वो वाली ड्राइंग दे दे। किसको? पैगी को। एंड हर फ्रेंड मैरी टू हैव द ब्लू वन, और जो उसकी फ्रेंड है मैरी, उसको ब्लू कलर वाली जो मेरी ड्राइंग है वो दे दी जाए। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजंट इक्वलाइज विद यू। उसने कहा कि इस क्रिसमस के त्यौहार पर मैं अपने स्कूल को मिस कर रही हूँ, जो मेरे टीचर हैं मैं उनको क्या नहीं कर पा रही हूँ, इक्वलाइज कराना यानी कि एक जैसे समान, यानी कि आपके दोनों में अलग अलग डिफरेंसेज हैं, तुलना है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको और सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली, आपका बहुत ही करके उसने अपने सिग्नेचर किए, अपना नाम लिखा। ऑन द वे होम फ्रॉम मैडीज फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। जब वो घर की तरफ जा रही थी तो मैडी और पैगी ने अपने ड्राइंग्स को बिल्कुल ध्यान से हेल्ड करना यानी कि पकड़ के रखना, ध्यान से पकड़ के रखा। ऑल द हाउसेज हैड वेथ्स एंड होली इन द विडोज। उसने कहा कि घर में जो खाली जगह होगी वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस ड्राइंग को रखना पड़ेगा। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ द क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स कॉपकॉर्न्स एंड शाइनी पेपरमेंट्स पेपर्स वर स्टंग्स। अब ये सारी की सारी जो वो जा रहे थे तो वो डेकोरेशन के बारे में बताया कि जब वो घर की तरफ जा रहे थे तो जो रास्ते में जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं या दूसरी शॉप्स हैं वहाँ पर बहुत सारे क्रिसमस के ट्री स्टैग्ड यानी कि लटके हुए थे, टंगे हुए थे। कुछ पर पेपरमिंट्स की कैंडी लटकी हुई थी, कुछ पर दूसरे जो स्वीट्स हैं, टॉफीज हैं, कैंडीज हैं, वो सारी लटकी हुई थी। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग। अब जो एयर है स्मेल्ड, हवा में भी कैसी स्मेलिंग स्मेल थी, जैसे कि क्रिसमस की होती, यानी कि क्रिसमस के त्यौहार की खुशबू सारी हवा में फैली हुई थी। लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग थी। डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, यानी कि बर्फ गिर रही थी तो बर्फ के ऊपर भी क्रिसमस की वजह से जो लाइटिंग की हुई थी उस लाइटिंग की चारों तरफ कलर्स आ रहे थे स्नो के ऊपर। पैगी सेड बॉय दिस शो शी रियली लाइक्स अस। अब वो किसको कह रही है, जो भी बच्चे वहाँ पर थे सभी को कह रही है कि इसका मतलब वेंडा पेट्रोन्स की हमें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। शी शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरी थिंग्स ऑल राइट। अब मुझे लगता है कि शायद उसने हमारा लेटर मिल चुका है और इसीलिए उसने ये लेटर लिखा है। इस तरीके से हमें ड्राइंग देने का मतलब है यानी कि वो हमें वाकई में क्या करती है, पसंद करती है हम। एंड दैट्स दैट्स, और उसके बाद और भी कुछ बातें बता दें, दैट्स दैट एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप सो, मैडी सैडली से मैगी ने कहा। आई होप सो, अभी भी वो उदास है कि शायद ऐसा ही हो। सी फेल्ट सैड, उसको बुरा लग रहा है बिकॉज शी वुड नेवर सी द लिटल टाइड लिप्ड पॉलिश गर्ल। उसको एडजेक्टिव दिए हैं वेंडा पेट्रोन्स की को, पॉलिश गर्ल है, लिटल है, छोटी है, टाइट लिप्ड, अपने होठों को हमेशा कस के बोलती है, एंड कुड एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। वो दुखी क्यों है, क्योंकि अब वो उसको कभी देख नहीं पाएगी, इसीलिए शायद जो चीज़ें हैं वो उसके साथ अच्छे से ठीक भी नहीं हो पाएंगी। शी वेंट होम एंड पिंड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। उसके बाद यहाँ पर मे बी मैडी के लिए यूज हुआ है शी, कि वो घर पर गई, उसने अपने पिंड करने नेल में टांग देना, खूटी पे टांग देना या जोभा लगा देना, जो ड्राइंग है उसके घर में जो एक पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर है, वो वॉलपेपर जहाँ से फटा हुआ था उस जगह पर उस ड्राइंग को लगा दिया अपने बेडरूम में। द शेबी रूम कम्स अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ द कलर्स। अब उसने कहा कि जैसे ही मैंने ये उसमें लगाया तो जो शेबी सा, शेबी होते गंदा सा, डर्टी सा, पुराना सा जो रूम था वो रूम अचानक से अलाइव हो गया, उसमें जीवन आ गया। किसकी वजह से? कि जो ड्राइंग में कलर है उन कलरों की वजह से। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड। मैडी अपने बेड पर बैठ गई एंड लुक एट द ड्राइंग। अब ड्राइंग को देखने लगी। शी हैड स्टूड बाय एंड सैड नथिंग। वो सिर्फ इसके सामने खड़ी रही और कुछ भी नहीं कहा।
बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, और वो क्या सोचते कि लेकिन चाहे कुछ भी हो वेंडा पेटवंस की हमारे लिए बहुत अच्छी थी, तभी उसने हम सभी को क्या किया है, ड्रॉइंग्स गिफ्ट की है। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग एट द पिक्चर, देन हैस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। अब जो आंसू हैं ब्लर्ड कर देना, धुंधला कर देना, उसने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया। वो काफ़ी लंबे टाइम तक उस पिक्चर को देखती रही। उसके बाद हेस्टली का मतलब होता है जल्दी से, जल्दी से उसने अपनी आँखें रब की एंड स्टडीड, स्टडीड करना ड्राइंग की तरफ देखना, इंटेंटली वही ध्यान से, ध्यानपूर्वक उसने उस ड्राइंग को देखा। द कलर इन द ड्रेस इज सो विविड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड द हेड ऑफ द ड्राइंग, यानी कि जो कलर थे ड्रेस में वो इतने ज़्यादा विविड का मतलब इतने ज़्यादा प्यारे, इतने ज़्यादा सुंदर, इतने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट थे कि वो मुश्किल से ही जो ड्राइंग है उसके ऊपर के फेस को नोटिस कर पाए। फेस उन्होंने नोटिस नहीं था, स्कार्सली मतलब मुश्किल से। बट इट लुक लाइक हर, लेकिन वो फेस कैसा दिख रहा था, मैडी के जैसा ही दिख रहा था। अब क्या हुआ, नेक्स्ट थिंग बताई गई है, मैडी इट्स रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। मैडी कहती है अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा फेस है। वाई इट लुक लाइक हर ओन सेल्फ, उसको अपना फेस क्यों दिख रहा है। वेंडा हैड रियली मेक दिस फॉर हर, क्या वाकई में वेंडा ने ये चीज़ें उसके लिए बनाई थी। एक्साइटेडली शी रेन ओवर टू पैगेज, पैगेज यानी कि पैगी के घर पे जाती है और वहाँ पे क्या कहते हैं, पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारे पिक्चर देखने दो। अब पैगी आस्क्स, पैगी पूछती क्या, व्हाट्स द मैटर, एज शी क्लैटर टू हर रूम वेयर वेंडाज ड्रॉइंग वॉज लाइंग ऑन हर रूम डाउन ऑन द बेड। वो जल्दी से पैगी के रूम में गई जहाँ पर वेंडा की जो ड्राइंग उसको गिफ्ट की गई थी वही बेड पर गिरी पड़ी थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, उसने बिल्कुल ध्यान से उसको उठाया, लुक और क्या कहते हैं, शी ड्रू यू, उसने किसको, तुम्हारी ड्राइंग बनाई है, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम, उसने एक्सक्लेम किया, दावा किया कि तुम्हारा ही सिर है। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ द पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और अब जो फेस था यानी कि जो ड्राइंग किसको गिफ्ट की गई थी, पैगी को। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव बीन लाइक्ड अस एनीवे। उसके बाद मैंने क्या कहा पैगी को कि चाहे कोई भी तरीका हो लेकिन जो वेंडा पैटर्न्स के वो हमें लाइक करती थी। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी भी एग्री करती है कि हाँ वो हमें लाइक करती थी। शी लाइक्ड वे द टीयर्स दैट कम एवरी टाइम शी टाइड वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट्स इन द स्कूल यार्ड लुकिंग स्टॉडिडली ओवर टू द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ एंड आफ्टर शी सेड श्योर आ 100 ऑफ देम ऑल लाइन। अब वो पिक्चराइजेशन करते हैं लास्ट पैराग्राफ में किसकी, मैडी करती है कि हाँ वाकई में वो हमें लाइक करती थी, कि जिस तरीके से वो स्कूल आती, स्कूल में आने के बाद जो क्राउड है गर्ल्स की, वो क्राउड उसको घेर लेती और वो उसका मजाक उड़ाती किस चीज़ को लेकर, कि कितनी सारी ड्रेस उसके पास है। और उस वक्त वो अपने होठों को टाइट करके क्या कहती थी, दैट आई श्योर आ 100 ऑफ देम, 100 है और सारे की सारी क्या की हुई है, मैंने अलमीरा के अंदर लगाई हुई है। तो इस तरीके से बेटा दैट चैप्टर हैड बीन एंडेड।